नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, ये दौर बहुत जदीद हो गया है, टेक्नोलॉजी का दौर है, और अगर हम माजी में जाएं तो हमें पता चलेगा हर चीज़ के लिए एक अलहदा चीज़ दरकार होती थी। मिसाल के तौर पर अगर हमें टाइम देखना है तो हमें घड़ी दरकार है, अगर हमें टीवी देखना है तो टीवी दरकार है, अगर हमें कैलकुलेट करनी है कोई चीज़ तो कैलकुलेटर दरकार है, अगर हमें खबरें पढ़नी है तो हम अखबार के मोहताज, यानी कि हर चीज़ के लिए एक अलहदा चीज़ दरकार थी। इसी तरीके से जब ये दौर जदीद हुआ और एक डिवाइस आई मोबाइल की सूरत और ख़ास तौर पर स्मार्टफोन की सूरत, तो उसने इन तमाम चीज़ों को अपने अंदर समो लिया। अब अगर हमें टाइम देखना है तो हमारे पास मोबाइल मौजूद है, अगर हमें स्टॉप वॉच दरकार है तो वो मोबाइल में मौजूद है, अगर हमें कोई चीज़ कैलकुलेट करनी है तो कैलकुलेटर मौजूद है, अगर हमें टीवी देखना है तो टीवी भी मोबाइल में मौजूद है, अगर हमें खबरें पढ़नी है तो अखबार भी मोबाइल के अंदर सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर जो अखबार जिस दिन का चाहिए वो हमारे पास मुयस्सर है। इसी तरीके से जहाँ ये तमाम चीज़ें जदीद हो गई, वहाँ किताब जो बुक है वो भी डिजिटल हो गई। लोग किताबें भी पीडीएफ की सूरत में और दीगर ज़राए के साथ जो है वो किताबें पढ़ रहे हैं। जिस किताब के जो मुसन्निफ हमें चाहिए वो हम गूगल पर सर्च करेंगे और हमारे पास मौजूद होगी वो किताब। लेकिन कहने का मकसद ये है कि दौर कितना ही जदीद क्यों ना हो जाए, कितने ही आगे क्यों ना बढ़ जाए, लेकिन किताब की अहमियत जो हाथ में पकड़ कर हार्ड कॉपी में पढ़ने का जो लुत्फ है वो उसका अलग ही मज़ा है। वो सिर्फ वही बेहतर तरीके से जान सकता है कि जो किताब पढ़ने का शौकीन हो और किताबों से दिलचस्पी रखने वाला हो। लिहाजा इसी सिलसिले में आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो किताबों की अहमियत को समझते हैं, और इसी सिलसिले में हमारा 11 दिसंबर 2022 को कराची एक्सपो सेंटर में जाना हुआ, जहां इंटरनेशनल बुक फेयर के नाम से किताबों की एक नुमाइश लगी हुई थी, और वहां जाकर हमने एक खुशगवार हैरत भी हुई कि कसीर तादाद में लोग वहां पर मौजूद थे, हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद मौजूद थे, चाहे वो मजहबी अफराद हों या फिर दुनियावी एतबार से जिस शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हों वहाँ पर मौजूद थे। तो ये जानकर हमें बड़ी खुशी हुई। वहाँ के कुछ विजुअल्स एक वीलॉग की सूरत में हमने रिकॉर्ड किए, तो उनको आप जरा मिलाजा। दुरूद पढ़ते ही कैसी ये रोशनी हुई है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुस्तफा हबीबुना मुहम्मद अलैहि सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुस्तफा हबीबुना मुहम्मद अलैहि सलाम, अल्लाह 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 जी। तो नाज़रीन, आप जैसे देख सकते हैं हमारा वहाँ पर मुख्तलिफ स्टॉल्स पर विजिट हुआ हमारा, जिनमें मकतबतुल मदीना का एक स्टॉल पर हमने विजिट किया, जो एक बहुत ही शानदार स्टॉल बनाया हुआ था, एक मिनी लाइब्रेरी लग रही थी हमें तो। इसी तरह हमारा कासिम अली शाह साहब, जो मुल्क मायानास मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनके स्टॉल पर जाना हुआ, कुछ किताबें खरीदने का इत्तेफाक हुआ, और दीगर स्टॉल पर भी हमारा वहाँ जाना। बताया तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया, अल्लाह 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 صلوا على رسول الله 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 اللهم صل
रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। अल्लाह 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 सल्लु अला रसूलिल्लाह अल्लाह अल्लाह Allahumma salli alayhi Allahumma salli alayhi Allahumma salli alayhi Mustafa Habibuna Muhammad. नाज़िम जैसे कि आपने मुलाहजा किया, हमने वहाँ पे कुछ विजुअल्स रिकॉर्ड किए। अभी तो ये खैर 3-4 दिन की नुमाइश थी और हर साल ही ये नुमाइश लगती है कराची एक्सपो सेंटर में। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा, आपकी औलाद शऊरी तौर पर एक अच्छे फर्द की नुमाइंदगी करे, मुल्क का एक अच्छा शहरी बने, तो आपको चाहिए कि आप अपने बच्चों को किताबों की तरफ लेकर आए, किताबों का रुझान दें, किताबों का शौक बेदार करें, बजाय ये कि उनको स्क्रीन की तरफ रागब करें, उनको किताब की तरफ रागब करें, उनको ऐसे इवेंट्स में लेकर जाएं जैसे कि ये किताबों के हवाले से नुमाइश, ताकि बच्चों के अंदर किताब पढ़ने का एक शौक बेदार हो। तो अगर तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को किताब की अहमियत को समझने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह